गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द न्यू व्लॉग। आज है विजयदशमी का दिन, दशहरा, आज ऑफिस की छुट्टी है और लोग दशहरे का त्योहार मना रहे हैं। कल रात शिल्पी के घर पे गए थे, वहाँ पे मिल्की भी आई हुई थी, तो बस फैमिली डिनर था। वहाँ पे ऑगी भी हमारे साथ था। तो ये हुआ कि शिल्पी और ऑगी को मैंने वहीं पे ड्रॉप कर दिया और फिर मैं आ गया यहाँ। तो बॉटम लाइन ये है कि मैं हूँ इस वक्त घर पे अकेला। सुबह 5 बजे उठा था, तब से एडिटिंग का काम कर रहा था। एडिटिंग अब कम्प्लीट हो गई है, वीडियो रेंडर भी हो गई है और अब अपलोड चल रहा है। जैसे ही अपलोड खत्म होता है इसको पब्लिश मार देंगे। कई सारे काम है जो शिल्पी करती थी लेकिन आज वो मेरे को करना पड़ रहा है, जैसे कि किचन टॉप समेटना, बर्तन सारे धो करके सेट करना और पेड़ों में पानी डालना। इन सब कामों के बाद आती है दूसरी काम की चीज़ जो कि है नाश्ता पानी। खैर मैं नाश्ता तो यहाँ नहीं करूँगा, मेरा बुलावा आ चुका है वहाँ से, नाश्ता मैं वहाँ पे करूँगा। लेकिन उसके बाद मिल्की को यहाँ लेके आएंगे, थोड़ी देर बैठे उठेंगे, मज़े मारेंगे। तो उसके लिए थोड़ा सा कुछ स्नैक्स का इंतज़ाम करना था। तो मैंने क्या किया, ये साबूदाने को डिप करके धो करके रख दिया है क्योंकि आज बनेंगे साबूदाना कटलेट। तो उसके लिए उबले हुए आलू भी चाहिए, वो भी मैंने बॉईल करके रख दिए हैं। तो बस अब शिल्पी आएगी तो झटपट बना देगी, जब भी खाना होगा कुछ भी प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो भैया व्लॉग भी अपलोड हो गया है, व्लॉग इज़ लाइव। अब बस एक ही काम बचा है, अपनी शक्ल सुधारना है और नहा धो के रेडी होना है और शिल्पी के पास जाना है। ओगी अब ठीक है, गोलू मेरा फोन दे दिया, आजा आजा, नो नो आओ इधर आओ, अंदर आओ। सफ़ेद मक्खन के पराठे, आलू के पराठे, रायतो रायतो रायतो, क्या बात है। ऑगी भी खा रहा है, शिल्पी खिला रही है उसे, मैं इसे एंजॉय करता हूँ। A few inches later. तो ऑगी और शिल्पी को लेके घर आ गए हैं, मिल्की भी हमारे साथ आई है। अब हम लोग थोड़ी देर पार्टी वार्टी करेंगे, बैठे उठेंगे, बातचीत करेंगे। मिल्की खेल रही है ऑगी के साथ। ऑगी अभी तो शरीफ बना हुआ है लेकिन ये है नहीं, ये सबको पता है। आर यू शरीफ? नो आई एम नॉट। ऑगी द मैड बॉय, ऑगी द मैड बॉय। आज ऑगी जाएगा अपनी वैक्सीनेशन के लिए, है ना? जाएगा। शिल्पी क्या बना रही हो तुम? साबूदाने की पकौड़ियाँ, क्या बात है, तुम तो अल्टीमेट हो बाबा। हाँ। दोस्तों में गुस्सा आता है, ये कच्ची हैं, ये पक गई हैं। जी नहीं, पक गई हैं, ये हो गई है क्रिस्पी। चलो ठीक, बट नेक्स्ट बैच थोड़ा सा और क्रिस्पी करना। मुझे पता है वो क्या हो, गलती क्या हुई थी, अब नहीं होगी क्या। ऑगी और शिल्पी खेल रहे हैं एक दूसरे के साथ, चादर चादर। शिल्पी चादर उड़ा रही है, ऑगी पकड़ने की कोशिश कर रहा है। मैं चादर तय कर रही हूँ, तू तय करने नहीं दे रहा। क्या कर रहे हो यार, छोड़ दो ना उसको। चलो अभी इसको वैक्सीनेशन के लिए लेके चलना है। ऑगी चलेगा वैक्सीनेशन के लिए? ऑगी को अभी लेके जा रहे हैं वैक्सीनेशन कराने। मैं एज यूजुअल रेड लाइट में फंस गया हूँ, जहाँ मैं हर बार फंसता हूँ। तो बॉडी टेम्परेचर वगैरह घर से ही देख के ले जा रहे हैं। डॉक्टर से बात भी कर ली है कि इतना टेम्परेचर आ रहा है, लेके आए कि नहीं। सब कुछ ओके की रिपोर्ट है, इसीलिए अब इसको लेके जा रहे हैं। फाइनली आज ऑगी का वैक्सीनेशन हो जाएगा। ये लो जी आ गए डॉक्टर के यहाँ। मुझे लगता है ना ऑगी को भी अब डॉक्टर के रास्ता याद हो गया होगा। इतनी बार आए हैं। चलो ऑगी। फ्रेंड्स फाइनली ऑगी को वैक्सीन लग चुकी है। अभी फ़िलहाल तो ये नॉर्मल हरकतें कर रहा है। डॉक्टर ने बोला था हो सकता है इसको रात में थोड़ी ठंड वगैरह लगे, ये चुपचाप थोड़ा गुमसुम मायूस सा हो जाए, लेकिन बिल्कुल घबराइएगा नहीं, ये नॉर्मल है इसका करना वैक्सीनेशन के बाद। फिलहाल अभी तक तो ये नॉर्मल है, खेल कूद रहा है, आगे का पता नहीं। तो भैया यही है बस, अपन भी गए हैं बहुत ज़्यादा थक, इस ब्लॉग को इधर ही एंड करते हैं। तो वीडियो यहाँ तक देखा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को ज़रूर से। और जो मेरी वीडियोस देखते हैं उसमें से अभी भी 40% लोग ऐसे हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। तो प्लीज़ भाई लोग, वीडियो देखते हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं है। फ्री है वो, तो प्लीज सब्सक्राइब करिए चैनल को। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, स्टे सेफ, लिव टुडे एंड लव टुमारो, बाय।